हे गाइस, देखो यार, ये तो सभी कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके जानी चाहिए, तभी एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आते हैं। बिल्कुल सही है। इवन आई ऑल्सो ट्राई फॉर द सेम। इसलिए तो इस चैनल पे मैं आपको बेस्ट ऑफ द एनिमेशन दिखा के मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक विजुअल दे सकूँ और उस विजुअल लर्निंग के थ्रू आपको जो है चीज़ें मेमोराइज करने में, फैक्ट्स ध्यान में रखने के लिए आपको आसानी हो। लेकिन क्या होता है यार, हम इतनी सब कोशिश करते हैं फिर भी कुछ MCQ एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और अल्टीमेटली हमें MCQ के ऑप्शन को, राइट ऑप्शन को गेस करना पड़ता है। इन शॉर्ट हम तुक्का लगाते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि अगर तुक्का लगाना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर तुक्का लगाना ही है तो किस ऑप्शन पे हमने तुक्का लगाना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू सी दिस इन डिटेल। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि राइट आंसर के लिए हमें व्हाट आर द स्टेप दैट वी नीड टू फॉलो, और उसके बाद देखेंगे अगर इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी अगर आप आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो फिर तुक्का लगाओ, तो फिर उसमें क्या अपने ध्यान में रखना चाहिए, राइट? चलो शुरू करते हैं। देखो, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग यार, कि देखो जब भी, ये तो मैं भी फॉलो करता था जब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता था, जैसे ही MCQ हमारे सामने आ जाता है, राइट, और उसके हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं तो एग्जाम से क्या होता है, ये सब ऑप्शन जब पढ़ते हैं हम तो एग्जाम में बिल्कुल, एग्जाम हॉल है, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट है, तो देर आर चांसेस कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे विद द सिमिलर वर्ड्स। इसलिए द प्रॉपर वे इज कि आप इसको कवर कर लो विद द हेल्प ऑफ, आप हैंड रख लो या फिर आई कार्ड रख लो, इन चीज़ों से आप कवर कर लो और एक टाइम पे आप एक ही ऑप्शन को पढ़ो। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे कवर कर लोगे, राइट, और फिर सेकंड ऑप्शन के लिए फिर से ओपन करोगे, राइट, और इस तरीके से यहाँ पे जाते हुए आप हल्का सा निशान भी लगाओगे कि दिस इज द राइट, दिस इज द रॉन्ग, राइट, इफ इट इज अलाउड इन द एग्जाम देन ओनली, अदरवाइज कुछ एग्जाम में अलाउड नहीं रहता एग्जाम पेपर पे लिखना। सो इफ इट इज अलाउड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, राइट, और अकॉर्डिंगली आप आगे प्रोसीड करो तो इसमें आपके जो है कन्फ्यूजन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नहीं तो आपको लगता है ना कि मैंने पढ़ा तो और टाइम पे एकदम कन्फ्यूज हो गया। अब कभी कभी ये होता है यार कि हमने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर किया है और जैसे ही ऑप्शन MCQ आगे आ गया उसके ऑप्शन हमने पढ़ लिए तो हम कन्फ्यूज हो गए, ये होता है। तो उसमें एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप अभी के लिए उस क्वेश्चन को स्किप कर लो, राइट। उसमें दो चीज़ें होगी, जब आप आगे के MCQ पे जाओगे तो आपका जो माइंड इस पे स्टक हो गया था वो रिलीज हो जाएगा, एक तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा, राइट, और आप आगे MCQ सॉल्व करते हुए जाएंगे तो हो सकता है कि इस MCQ के बारे में आपको आगे चल के हिंट मिल जाए। सो दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी। इसलिए अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो स्किप इट फॉर अ वाइल, इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर यू कि बाद में आके उसको सॉल्व करो, राइट। उसके बाद देखो, कभी कभी क्या होता है यार कि हमारे सामने ऑप्शंस है और हमें बिल्कुल, हमने अच्छे से प्रिपेयर भी किया और एकदम टाइम पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आपको एक MCQ आ गया, राइट। अब इस वक्त हमें क्या करना है, अभी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आ गया तो नॉट नेसेसरी कि मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिकॉल करने की कोशिश करूं। उस टॉपिक में हमने पढ़ा है डिफ्यूजन, पढ़ा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पढ़ा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट द टॉपिक टू रिकॉल द टॉपिक फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट। मतलब हम क्या करेंगे, इस वक्त हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि वो जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हुआ था और वहाँ से शुरुआत से रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी संभावना बढ़ जाती है राइट आंसर तक पहुँचने की, राइट। सो रिकॉल फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट, ओके। देन द अदर इज, अदर इम्पॉर्टेंट ट्रिक इज कि अगर आपको MCQ याद ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन क्या है, फैक्ट याद नहीं आ रहा है, सो ट्राई टू लोकेट द, वो कहाँ पर लोकेटेड है टॉपिक। मतलब आप कोशिश करो याद करने की कि आपने वो टॉपिक कहाँ पे पढ़ा, मतलब कोचिंग क्लास पे पढ़ा है, किसी बुक में पढ़ा है या किसी फ्रेंड ने आपको बताया था, और ट्राई टू लोकेट कि वो पेज के किस हिस्से में लोकेटेड था, राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में, लोअर राइट में था, लोअर लेफ्ट में था, इस टाइप से इसको कहते हैं लोकेट करना। इस तरीके से आप जो आपका फोटोग्राफिक मेमोरी है उस चीज़ के बारे में आप उसको चैलेंज कर रहे हो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको रिकॉल आ जाए। सो ट्राई टू लोकेट द टॉपिक अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। सो दिस इज अनदर गुड स्ट्रेटेजी, फाइन। यस, नेगेटिव मार्किंग, व्हेन इफ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग तो अभी हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं है। देखो इसमें सिंपल रूल है, अगर चार में से दो ऑप्शन को
आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली रूल आउट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज नॉट द आंसर. अगर आपको पता है और आप बी और सी में ही कंफ्यूज हो, इन दैट केस यू शुड टेक अ रिस्क. आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड टेक अ रिस्क. अगर आप दो एमसीक्यू को, दो ऑप्शन को अगर आप रूल आउट कर सकते हो कॉन्फिडेंटली, आप बचे हो दो में ही कंफ्यूज हो, देन यू शुड टेक अ रिस्क. ओके, नाउ ये होता है जनरली क्या होता है कि यार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आप पढ़ते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एकदम से पुश कर देता है और आपको एकदम से लग जाता है कि दिस इज द राइट आंसर, राइट. फिर उसके बारे में आप और ज़्यादा सोचते हो और फिर आपको राइट आंसर उसमें अटेम्प्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत जाती है. तो जनरली द थिंग इज कि यूजुअली द फर्स्ट चॉइस इज द राइट चॉइस. अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो, आप रिकॉल भी नहीं कर पा रहे हो, तो इन केस में जो आपको फर्स्ट टाइम एमसीक्यू पढ़ने के बाद ही जो फर्स्ट टाइम जो आंसर लगा था कि ये सही है, वो ही सही होने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावना रहती है. ओके, नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट कि अगर आपको लगा ये सब आपने यूज कर लिया स्ट्रेटजीज, फिर भी आपको आंसर आप डिराइव ही नहीं कर पा रहे हो, तो अब इस वक्त क्या किया जाए. अगर आपको लग रहा है कि ये एमसीक्यू इस सिलेबस का ही नहीं है, ये तो इस धरती पे ही नहीं है, ये कहीं और से लाया हुआ एमसीक्यू है, अगर आप इस कंडीशन में जाके पहुंच चुके हो और अगर आपको अब तुक्का लगाने हैं, तो आपने क्या करना चाहिए. देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यार, ये करते हैं कि चलो पहले 10 एमसीक्यू के मैं ऑप्शन लगा देता हूँ ए ए ए ए, फिर लगा देता हूँ बी के बी 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 बी. तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है यार, इसमें तो सक्सेस के काफ़ी कम चांसेस है, राइट. अब हम देखेंगे कि अगर आपको एमसीक्यू पता ही नहीं है, राइट, अब आपने क्या करना चाहिए, राइट. मतलब इससे क्या होगा कि आपकी जो राइट आंसर गेस करने की प्रोबेबिलिटी, नोट डाउन आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोबेबिलिटी, आपकी इंक्रीज हो जाती है सही आंसर तक पहुंचने की, राइट. सो दैट इज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ रूटीन प्रैक्टिस. अगर आपको बिल्कुल ही पता नहीं है एंड आप ब्लाइंडली अब लगाने वाले हो तुक्का, तो उसके पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप वो थोड़ा ध्यान में ले लेना. देखो अगर आपका एमसीक्यू पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, और अगर उसमें ऑप्शन है ऑलवेज और एक ऑप्शन है नेवर, सो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इनकरेक्ट वो है जहाँ पे लिखा हो कि इन अलवेज या नेवर इंपॉर्टेंट है, राइट. जस्ट ए मिनट गाइस. ओके, मतलब जहाँ पे कोई ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि दिस इज अलवेज पॉसिबल या दिस नेवर हैपन्स, तो वही इनकरेक्ट है, एक इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. ओके, क्योंकि क्या है बायोलॉजी में, साइंस में जनरली, दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू नीट, दिस इज अप्लीकेबल टू अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, राइट. तो जनरली साइंस में है ना यार, हर कोई चीज़ ऑलवेज पॉसिबल हो उसकी काफ़ी ज़्यादा कम संभावना रहती है, और कोई चीज़ कभी हो ही ना इसकी भी काफ़ी कम संभावना रहती है. देर आर सम एक्सेप्शन, दैट्स वाई ऑलवेज एंड नेवर इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ इनकरेक्ट चॉइस, राइट. द वैल्यू, अभी अगर आपके ऑप्शन में वैल्यू दिए है, फॉर एग्जाम्पल 9, 10, 11 and 12, राइट, ये ऑप्शन आपको दिए है और इसमें से आपको पिक करना है कि विच इज़ द राइट ऑप्शन, तो इसमें ना यार एक्सट्रीमिटीज मतलब 12 and 9 ये राइट आंसर होने की संभावना काफ़ी कम है. देर आर लेस चांसेस कि आपके एक्सट्रीमिटीज़ के जो ऑप्शन है वो सही हो. द बेटर चॉइस विल बी जो मिडल के ऑप्शन हैं. अगर आपके ऑप्शन में दिए हैं 9, 10, 11 and 12, बताओ इसमें से राइट आंसर क्या है, सो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर विल बी फ्रॉम 10 और 11, ये रह सकता है मोस्ट प्रोबेबली. एक्सट्रीमिटीज के आंसर राइट होने की काफ़ी कम संभावना है. ओके, यूजुअली ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. अगर आपने देखा होगा कि आपको ए ऑप्शन आ रहा है, आपको पता है कि ए इज़ द राइट आंसर, आपको पता है बी इज ऑल्सो द राइट आंसर, सी के बारे में आपको पता नहीं है, डी इज द ऑल ऑफ द अबव, देन यू शुड गो फॉर डी. मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस कि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ही सही होगा, राइट. ओके, देन यस ये इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो इसको यार थोड़े एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. अब एक एमसीक्यू है, मैंने गूगल से लिया था, राइट, मुझे भी पता नहीं है किस टॉपिक का एमसीक्यू है, तो छोड़ो ये, हमें तो क्वेश्चन से कुछ लेना देना ही नहीं है. नाउ अगर हमें इसका सही आंसर गेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. सो सी, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो देखो, एड निगेटिव साइंस टू इट, हम क्या करेंगे, अगर आपको ऑप्शन पता ही नहीं है विच इज़ द राइट आंसर, तो हम इसमें निगेटिव सेंस डालने की कोशिश करते हैं ऑप्शन में. फॉर एग्जांपल इट फॉर्म्स बी ई टू सी,
क्या हम इसको नेगेटिव बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते। इट इज़ रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, इसको भी नेगेटिव बनाना उतना संभव नहीं लग रहा है। इट इज़ हाइड्राइड एंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट, इसको भी नेगेटिव बनाना थोड़ा डिफिकल्टी जा रहा है। क्या इसको नेगेटिव बना सकते हैं? इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज, इसको बना सकते हैं नेगेटिव। इट्स सॉल्ट ऑलवेज हाइड्रोलाइज, मतलब एग्जामिनर ने मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ पे ऑलवेज होगा, राइट, टॉपिक में ऑलवेज एक फैक्ट होगी जिसको एग्जामिनर ने रेयरली में चेंज कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस आर कि ये ही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सो ट्राई टू ऐड द नेगेटिव सेंस इन इट, ट्राई टू ऐड द नेगेटिव सेंस इन इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑप्शन में दिया है कि इज प्रेजेंट, तो हम उसमें नेगेटिव सेंस ऐड कर देंगे इज अब्सेंट। अगर नेगेटिव सेंस ऐड हो रहा है कि ऑप्शन में, क्या आप उस सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हो? अगर नेगेटिव बना सकते हो तो वही इनकरेक्ट है, मतलब एग्जामिनर ने उसको चेंज करके आपके ऑप्शन में दिया है। सो मोस्ट प्रोबेबली द चांसेस आर लाइक दिस। ओके, नाउ ये भी एक है कि लॉन्गर द ऑप्शन इज यूजुअली द करेक्ट ऑप्शन। देखो एग्जामिनर क्या करता है, आपको फोर ऑप्शन देता है ए बी सी डी, और उसमें से कोई एक ऑप्शन अगर आपको लगता है कि ये लॉन्गर है, ज़्यादा बड़ा है, तो एग्जामिनर ने उसमें कोशिश की है कि एडिशनल फैक्ट डाल के उस ऑप्शन को करेक्ट करने की। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, ज़्यादा चांसेस है कि अगर कोई ऑप्शन बड़ा ऑप्शन है, राइट, उसमें दो सेंटेंस आ रहे हैं, बाकी के इसमें एक एक सेंटेंस है, तो जिसमें दो सेंटेंस है देर आर चांसेस कि वो सही ऑप्शन हो, राइट। लॉन्गर द ऑप्शन इज यूजुअली द करेक्ट चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये भी है यार, ये तो नीट के लिए अप्लीकेबल है। देखो आपने एक एमसीक्यू सॉल्व किया, राइट, मान लो कि वो एमसीक्यू था C3 प्लांट के लिए, राइट, और आपको पता है कि इस एमसीक्यू का आंसर ए है, राइट। अभी आप आगे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आगे गए, और अब एक एमसीक्यू आ रहा है, उसमें वो एमसीक्यू है C4 प्लांट के बारे में, और कोई भी रैंडम एमसीक्यू है, राइट, उसमें आपको पूछा है कि विच इज द इनकरेक्ट वन, राइट, उसमें एक ऑप्शन है C3 प्लांट। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसका इनकरेक्ट ऑप्शन C3 होगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक टॉपिक में से दो एमसीक्यू एग्जामिनर पूछने की संभावना काफ़ी कम रहती है। दिस इज यूजुअली, मैं ये नहीं बोलो कि दिस इज द, मतलब पत्थर की लकीर है ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं है, राइट, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस, राइट, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा टोटल सिलेबस कवर करना है, एंड देर आर लेस चांसेस कि एक ही टॉपिक पे वो दो एमसीक्यू फ्रेम करे। अगर आपको एक टॉपिक पे एक एमसीक्यू मिल गया, दूसरे एमसीक्यू में एक्सेप्ट पूछा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वही जो पहले पूछा था वो नेक्स्ट एमसीक्यू का एक्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अनदर एमसीक्यू ले लो आप। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू आपको पूछा होगा, फॉर एग्जाम्पल गोल्जी बॉडीज के ऊपर, राइट, इसके ऑप्शन ए बी सी डी दिए, इसका आपने सही आंसर आपको पता है, राइट, आगे चल के आया कि एक फंक्शन दिया है, बताओ कि ये फंक्शन किसका नहीं है, राइट, ये चीज़ कौन नहीं करता, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इसका एक्सेप्ट गोल्जी बॉडीज रहेगा, क्योंकि एक ही टॉपिक पे वो दो दो एमसीक्यू फ्रेम नहीं करेगा एग्जामिनर। देर आर लेस चांसेस। ओके, सो टू क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम टॉपिक, आप ये भी सोच के राइट आंसर को डिराइव कर सकते हो, ब्लाइंड टुक्का मारने से अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, यस, नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज, आप ऑप्शन पढ़ लो और आप देखो कि वहाँ पे कोई दो ऑप्शन एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल एक एमसीक्यू है, हमें कुछ पता नहीं है कि इसके बारे में क्या है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है आर ऑलवेज सर्कुलर, आर ऑलवेज लीनियर, सो दिस स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, राइट, सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि इन दोनों में से ही राइट आंसर है। सो कॉन्ट्राडिक्शन, इसके बारे में आपने सोचना है कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्या। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वही दो में से ही एक आंसर रहेगा। ओके, सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द तुक्का मारने की स्टाइल। सो ये दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस जो मैंने बताया। अदरवाइज विद द बेस्ट ऑफ द एनिमेशन आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ विजुअलाइजेशन, ताकि आपको ऊपर ये नौबत ही ना आए तुक्का मारने की, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम कंडीशन में आपके ऊपर ये नौबत आ गई कि तुक्का लगा नहीं है। सो आई वुड एडवाइस यू कि इन स्टेप को फॉलो करो, सो आपकी प्रोबेबिलिटी राइट आंसर तक पहुँचने की बढ़ जाएगी। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन, थैंक यू सो मच गाइज। देखो What a beautiful! Oh, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है।
क्या खाक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, ट्रांसफर कर देता है लाइक दिस, एक्टिवेट करेगा कहेंगे गेट आउट, तो निकल जाएगा राइट। ओके आप कैसे याद रखो, माइंड गोज वेलिंग वेलकम्स। तो इसको निकाल देते हैं, चलो ये तो निकल गया।